नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? मैं भी क्या मजाक वाली बातें कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और साथ में कवर भी लगाते हैं, लेकिन आजकल इस मार्केट में इतने सारे अलग अलग तरह के बैक कवर्स मिलने लग गए हैं कि एक एवरेज कंज्यूमर कन्फ्यूज हो जाता है कि इन सारे में से बेस्ट प्रोटेक्शन और बेस्ट कवर मेरे फ़ोन के लिए कौन सा रहेगा। वरी नॉट गाइस, क्योंकि आज के इस वीडियो में सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक रन ऑफ द मिल कवर से। ये है सिलिकॉन केस, इसे जेली केस या फिर टीपीयू केस भी कहा जाता है। सॉफ्ट प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है, सिलिकॉन मटेरियल होता है एक्चुअली ये। और यहाँ पे जो इसका कलर होता है ट्रांसपेरेंट होता है। आइए फ़ोन लगा के देखते हैं। और इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले तो ये काफ़ी सस्ता है, दूसरी बात इसका ड्रॉप प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। आप यहाँ पर अगर इसके एजेस पर ध्यान देंगे तो इसके जो एजेस हैं, इसे बम्पर केस डिज़ाइन कहा जाता है। मतलब जब फ़ोन आपका गिरता है तब ये जो एजेस हैं ये थोड़ा सा कुशन का काम करते हैं और आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपके फ़ोन की सुंदरता बरकरार रहती है। तो ये जो खूबसूरत आप पैटर्न या डिज़ाइन देख पा रहे हैं, आपके फ़ोन का जो कलर देख पा रहे हैं, वो इस तरह से दिखता रहेगा। सैडली दोस्तों, ये जो फ़ोन की सुंदरता है ज़्यादा दिनों तक मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो सिलिकॉन केस है या फिर जेली केस है, इसके अंदर होता है एक बड़ा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज दिस। तो जैसे ही आपका जो सिलिकॉन केस है थोड़ा सा पुराना होगा, उसमें इस तरह से डिसकलरेशन या फिर येलोइंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपके फ़ोन की जो सुंदरता है ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। आप देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है पुराने केसेस और नए केसेस में। ये भी मैं निकाल लेता हूँ, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा येलोनेस इसमें आ गया है। एंड ये जो केसेस हैं इतने भी ज़्यादा पुराने नहीं हैं, आई थिंक ये 3 से 4 महीने पुराने हैं। और आप देख सकते हैं एक नया केस वर्सेस पुराने में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है कलर में, इजंट इट। तो ये वाला केस अगर आपको यूज़ करना है, हाँ भाई सस्ता है, प्रोटेक्शन भी अच्छा देता है, लेकिन अच्छा दिखने के लिए आपको इसको हर 3-4 महीने 5 महीने में रिप्लेस करते रहना पड़ेगा। तो ये रहा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। आइए अभी हम चलते हैं आगे, इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। द नेक्स्ट इज़ हाइब्रिड प्लास्टिक विथ रबर। यहाँ पे ब्लैक रबर है, यहाँ पे प्लास्टिक है। आइए लगा के देखते हैं कि फ़ोन किस तरह से दिखता है। तो ये जो केस है दोस्तों, इसका जो प्राइस है लगभग 300 रुपये के आसपास है। एक्यूरेट प्राइजेस जानने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक्स मिल जाएंगे, मेरे एफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है बम्पर केस जैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है, उभरे हुए एजेस हैं। और ये जो है ब्लैक एसेंट्स काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, और यहाँ से आपका जो फ़ोन है वो भी विजिबल रहेगा। इसमें एक कमी मुझे लगी कि इसका ये जो बैक बना हुआ है, ये जब मैंने अमेज़ोन के ऊपर ऑर्डर किया था, जी हाँ दोस्तों ये सारे केसेस मैंने खरीदे हुए हैं, कहीं से भी ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो ये जो केस है मुझे लगा कि ये फ्रॉस्टेड या फिर मैट फिनिश का रहेगा, बट दिस इज़ नॉर्मल ग्लॉसी प्लास्टिक, और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में इसके ऊपर जो है स्क्रैचेस आ जाएं। वैसे शिपमेंट के लिए यहाँ पे ये जो है एक फ़िल्म कंपनी लगा के देता है, फिल्म निकालने के बाद में आपका जो फ़ोन है वो कुछ इस तरह से दिखता है। एंड जी हाँ, मेरे पास में 2 सैमसंग गैलेक्सी M21 है। और अगर आप इन फ़ोन्स के बारे में और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे जाके लाल सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इन तरह के मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ढेर सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाले हैं। तो इन केसेस का जो लुक है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी प्लास्टिक मिल जाएगा, ब्लैक बॉर्डर्स मिल जाएंगे। होपफुली इसके अंदर ये जो येलोइंग वाला प्रॉब्लम है ना, इस तरह का ये नहीं आएगा, क्योंकि सिलिकॉन मटेरियल में ये प्रॉब्लम होता है, हार्ड प्लास्टिक में ये नहीं आएगा। लेकिन अब देखना ये रह जाता है कि 2-3 महीने हेवी यूज़ के बाद में हो सकता है कि ये जो क्लियर प्लास्टिक है इसके ऊपर कई सारे स्क्रैचेस आ जाएं, और स्क्रैचेस आ जाने के बाद में इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर दिखने में इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं लगेगा। फिर भी एक मिडिल ऑप्शन के लिए काफ़ी अच्छा है, लगभग 300 रुपये के आसपास आपको ये मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिड केस। आइए अभी हम चलते हैं थोड़ा सा रफ़ एंड टफ़ रगेड ऑप्शन की ओर। तो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, आउटडोर में फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं, तो एक मज़बूत केस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है, ब्लू कलर का है, इसमें और भी कलर मिल जाते हैं। दिस इज़ वेरी डार्क ब्लू बाय द वे,
कैमरे में शायद ये ब्लैक जैसा दिख रहा होगा। आइए लगा के देखते हैं कि भाई इसका जो लुक है वो कैसा लगता है। तो इसका जो लुक है दोस्तों, यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश दिया हुआ है और जो फिटिंग है काफ़ी बढ़िया है। तो इस तरह से आपका जो फ़ोन है वो दिखता है। ऑन द साइड पार्ट यहाँ पे आपके फ़ोन की जो भी खास डिज़ाइन है या जो कलर है वो छुप जाएगा, लेकिन ये केस उसके सामने आ जाएगा। तो हैवी ड्यूटी यूज़, रफ़ एंड टफ यूज़, जहाँ पे स्क्रैचेस ज़्यादा लगते हैं उसके लिए ये ऑप्शन काफ़ी बढ़िया लगा। आउटडोर यूज़ में मस्त रहेगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो ये जो है ये भी एक तरह का हाइब्रिड केस है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। इसका प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आई गेस समवेयर अराउंड 300-350 के आसपास इसका प्राइस होता है। इसमें एक फ़ीचर आपको मिल जाता है कि यहाँ से आप जो फ़ोन है उसको स्टैंड कर सकते हैं। तो आइए एक बार लगा के देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप मोबाइल रिलेटेड गाइड्स देखना चाहते हैं, आईटी गाइड्स देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो ऐड करते रहते हैं। तो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, दिखने में भी खूबसूरत है, डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न है। ये फ़ीचर आपको मिल जाता है तो यूट्यूब वीडियोज़ अगर आप ज़्यादा देखते हैं कुछ मेरी तरह, तो आपके ये केस काम बिल्कुल आने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का केसेस का कंपैरिजन। एक बार हम इसको इस तरह से रख देते हैं और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन सारे केसेस में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा बढ़िया लगा। तो ये रहे मेरे फ़ोन्स और ये रहे केसेस। येलो वाला नहीं रखूँगा क्योंकि फ़ोटो ख़राब हो जाएगा, तो जो अच्छे केसेस हैं वो मैंने रख दिए हैं। आई होप वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। नीचे जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइज़।